हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पिंडी छोले। वैसे तो छोले सभी के घरों में बनते हैं और बहुत सी रेसिपीज़ हैं छोले बनाने की। ये हैं पिंडी छोले। आप कभी अमृतसर गए हैं तो अमृतसर दे पिंडी छोलों दी तो बात ही कुछ और होती है। एक बार ये बनाकर ज़रूर देखें। इनमें एक स्टार इंग्रेडिएंट होता है जो पिंडी छोलों को दूसरे छोलों से अलग टेस्ट और बहुत ही जायकेदार बनाता है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें स्टेप टू किचन को, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें सो दैट आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल स्टेप टू किचन। स्टार्ट करते हैं पिंडी छोले बनाना। यहाँ मैंने 200 ग्राम छोले लिए हैं जिन्हें अच्छी तरह धोकर 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगोया है। और इसमें डालूंगी आधा लीटर पानी। इसे हमें प्रेशर कुकर में बॉईल करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें वरना जो मसाले हम उबालते टाइम डालेंगे वो छोले में उसका फ्लेवर नहीं आ पाएगा। ये है एक दालचीनी की स्टिक, जिसे सिनेमन स्टिक भी बोलते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा हमें डालना है उबालते टाइम में दालचीनी का। एक चम्मच डालेंगे हम नमक। एक छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला से छोले को उबालते टाइम में डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये है 2 छोटे चम्मच चाय पत्ती, जिसे मैंने एक मुस्लिम क्लॉथ में इस तरह पोटली बना लिया है। पोटली को बहुत टाइट बांधें जिससे चाय पत्ती खुले नहीं। इसे हमें प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लगवाना है और वो भी मीडियम फ्लेम के ऊपर। और ये है प्रेशर कुकर से निकालने के बाद छोले जो अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। और ये है पोटली जो हमने डाली थी चाय पत्ती की, जिससे छोले का कलर चेंज हो गया है और फ्लेवर आ गया है छोलों में। छोलों को सेपरेट कर लेंगे और ये पानी को भी अलग करेंगे जिसमें सारे मसालों का फ्लेवर है। इसे हम पिंडी छोले बनाते टाइम में यूज़ करेंगे। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच लेना है हमें तेल। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है। और जिसे सरसों के तेल में सरसों के तेल की महक आती है, उनके लिए एक टिप है कि जस्ट वो थोड़ा गर्म होता है तो आप उसमें 1 पिंच डालें नमक। और तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे तेज पत्ता, 2 छोटी डालेंगे हरी इलायची और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन। ज़रूर डालें क्योंकि छोले बहुत हैवी होते हैं खाने में तो ये डाइजेस्ट करेगा। 1 पिंच डालेंगे हींग और ये है 3 हरी मिर्च कटी हुई। इसे जस्ट 1 मिनट के लिए हमें तलना है। और उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। मैंने प्याज को बहुत बारीक काटा है, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसे पीस सकते हैं। प्याज को अच्छी तरह सेकना है और जब प्याज सिक जाएगा तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच यह अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिक्स करेंगे। और ये सिक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डलती है पिंडी छोलों में। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अनारदाना, जो है स्टार इंग्रेडिएंट। अनारदाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे मसाला चिपके नहीं। इसे मिक्स करेंगे। और इसमें 1 चम्मच डालेंगे छोले मसाला जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अनारदाना पाउडर भी बहुत इजीली मिल जाता है, अनारदाने के बीज मिलते हैं जो मैंने बारीक पीस के रखा था घर पे। मसाले अच्छी तरह सिक जाएंगे तो उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्यूरी बना के डाला है मिक्सर में ब्लेंड करके। इसे मिक्स करेंगे। और टमाटर को भी हमें अच्छी तरह पकाना है जब तक कि उसे ऑयल सेपरेट ना होने लगे।
अब ऑयल अलग होने लगा है, इसका मतलब टमाटर पक गया है। उसमें डालेंगे उबले हुए छोले, इसे मिक्स करेंगे। और उसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने एक चम्मच डाला है छोटा। इसे मिक्स करना है और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे मसाला छोले के अंदर जाए और छोले बहुत टेस्टी बने। 4 मिनट बाद इसे ओपन करके चेक करेंगे और अब इसमें डालेंगे हम जिसमें हमने उबाला था वो मसाले वाला पानी। यहाँ पे हमने उबालते टाइम में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया था, तो पूरा पानी डलेगा। इसे मिक्स करेंगे। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, जिससे उसकी ग्रेवी एकदम थिक हो सके। ये है 10 मिनट बाद छोले। अब इसे और थिक बनाने के लिए इस तरह मैशर से जस्ट 2 से 3 बार हमें छोलों को मैश करना है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करें, वरना छोले दिखने में सुंदर नहीं लगते हैं। इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तैयार हैं पिंडी छोले। आप इस तरह भी एकदम इन्हें सर्व कर सकते हैं, बट हम इसमें देंगे अभी तड़का। ये है पिंडी छोले, अब इसे हम देंगे तड़का। तड़के के लिए 2 चम्मच घी गर्म करें, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, मैं दूंगी हींग का तड़का। इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई लंबी और डालेंगे अदरक लंबी कटी हुई। आप यदि इसको और कलरफुल बनाना चाहते तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी। और इसमें देंगे ये घी का तड़का। तैयार है जायकेदार लजीज पिंडी छोले। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।